एक सवाल है मेरा किरण, आपकी इजाजत से मंसूर साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और बाकियों से भी, बाकी भी इसके ऊपर अपना कमेंट जरूर करें। अभी देखें, ये तरीका तो एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान के खिलाफ आज से 3.5-4 महीने पहले, और उसके बाद जो माहौल बना है और जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, और प्लस इस हकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उसने उसके ऊपर सोने पर सुहागा किया, तो उससे आप देख लें कि इमरान खान कितना मकबूल हो गया, और पीडीएम की 12 जमातें इकट्ठे होने के बावजूद इस वक्त जो है वो इमरान खान उनसे संभल नहीं रहा। अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, मंसूर साहब से मेरा सवाल है कि 62(1)(f) की कार्रवाई हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, फॉलोअर है, और जो नहीं भी है पाकिस्तान में, बाकी भी लोग हैं जिनको इमरान खान, जो इमरान खान को पसंद करते रहे क्रिकेटर की हैसियत से या फिलेंथ्रोपिस्ट की हैसियत से, एक डिक्लेरेशन आ जाता है कि इमरान खान सादिक और अमीन ही नहीं है, और ना ताहयात इसको ना अहल होना चाहिए। और मैं ये सिर्फ अभी बात नहीं कर रहा, मियां नवाज शरीफ साहब का जब फैसला आया था मैंने तब भी ये बात की थी कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, मैंने तब भी ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट में बाकायदा फेयर ट्रायल का मौका दिया जाना चाहिए था 1843 की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके। आप ताहयात एक पॉलिटिशियन को नाअहल कह रहे हैं जिसकी कोई अपील भी नहीं है। सेम इसी तरह जो अभी यहां पे बात हो रही है कि 62(1)(f) की तलवार अब इमरान खान पे लटक रही है, हो जाता है इमेजिन करें क्या उसके रिपरकशंस होंगे, क्या नहीं था? आप इमरान खान की सियासत को खत्म कर सकते हैं ऐसे? क्या इमरान खान और मकबूल नहीं हो जाएगा? आप आर्टिकल 6 लगा दें, आप 62(1)(f) लगा दें, क्या नतीजा निकलेगा? मंसूर साहब, अच्छा इसका जवाब, जी बैरिस्टर साहब, इसका जवाब सिंपल सिर्फ ये है कि क्या आईन और कानून जो है जब फैसले देता है तो इस बुनियाद के ऊपर देता है कि एक शख्स जो है वो कितना मकबूल है या गैर मकबूल है, या उसके पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं, या आज उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका बयानिया कितना चल रहा है। अगर इस बुनियाद के ऊपर हम ये करना शुरू कर दें तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं। हिटलर को अगर आप उठा के देख लें तो हिटलर जर्मनी नाजी के अंदर जो है वो बहुत फेमस था, बड़ा मशहूर था, वो भी वोट लेके आया हुआ था, बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन आज दुनिया कहती है कि जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी है। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का आईनी और कानूनी निज़ाम जो है वो इन चीज़ों के बलबूतों के ऊपर फैसले नहीं देता कि एक आदमी जो है वो कितना मशहूर है या कितना मशहूर नहीं है। अगर उसने कोई गैर कानूनी, एंड आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, बट अगर नवाज शरीफ ने झूठ बोला हुआ था, और अगर नवाज शरीफ ने, चाहे वो अकामा था या उन्होंने अपने फ्लैट्स के हवाले से मनी ट्रेल नहीं दी थी और उनको सजा हुई है, तो होती रहे, आई डोंट केयर। मुझे, मेरी तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 1,70,00,000 वोट हासिल किया, मेरी तरफ से 5,70,00,000 वोट हासिल कर ले। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ है, गैर आइनी चीज़ है, अगर कल को इस फॉर्मूले के मुताबिक तो इमरान खान को खुदा न खास्ता आपने कत्ल करते हुए देख लिया, तो क्या हम ये कहेंगे नहीं जी इमरान खान आज पाकिस्तान का बहुत मकबूल तरीन लीडर है, अगर आपने इसको सजा दे दी तो सोचिए पाकिस्तान में क्या होगा? आई मीन आइन और कानून इन बुनियादों के ऊपर नहीं चलते। और इसी में मैं एक और चीज़ भी ऐड कर लूँ, ये क्योंकि मैं साथ साथ फैसला भी पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 57 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 अकाउंट्स के बारे में जिक्र किया है जो इमरान खान ने खुलवाए हुए हैं, इमरान खान के अपने सिग्नेचर से वो अकाउंट्स खुले हुए हैं, और वो अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम से खुले हुए हैं, और एक उसमें जो अकाउंट जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो इस्लामाबाद में खोला गया है सिविक सेंटर के अंदर, और उसमें तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई हुई है, और वो डिक्लेयर नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और एक और अकाउंट भी जो है इस तरह, वो डॉलर अकाउंट था, उसमें $51,000 जो है उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ है, वो भी डिक्लेयर नहीं किया गया। मुझे नहीं फर्क पड़ता शरीफ हो, इमरान खान हो, अगर कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात हुई है और आईने पाकिस्तान उसकी इजाजत नहीं देता तो उड़ा दें, आई डोंट केयर। मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता कि जी सियासी रिप्रिकॉशंस क्या होंगे या लोग उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करेंगे, आइन और कानून सबसे पहले है, सियासी रहनुमा सियासी लीडर्स उसके बाद आते हैं, आई डोंट केयर, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। और इसमें कल को, ये मैं आज ये भी आज आपको बात बता दूं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कटेरे में है, कल को नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, ये लोग भी कटेरे में होंगे, इनके भी केसेस चल रहे हैं। अगर वहां पे भी कोई ममनुआ फंडिंग होती है, 2 नंबर काम हुआ है, गलत तरीके से पैसे बनाए गए हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट सही साबित नहीं होते, उड़ा दें उनको भी, लेकिन आईन और कानून सबसे पहले है। अगर एक रिक्शे वाले के लिए, एक साइकिल पे जाने वाले के लिए आईन और कानून सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ते नहीं है, आपकी गाड़ी के अंदर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, आप उसको नहीं छोड़ते, तो इमरान खान कौन है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौन है? आई डोंट केयर। मेरे लिए सबसे पहले वो किताब आती है, सियासी होते रहेंगे फिर होते रहे बाद में, आई डोंट केयर। आईन और कानून जो है वो सबसे पहले, कौन कितना पॉपुलर है, कौन, बिल्कुल बिल्कुल मैं आती हूँ।